Yeah, just... जिसपे काफी लोग बात करते हैं राइट ब्लॉक चें की जब बात करते तो की बात सबसे पहले होती है यू विल सी अलॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट अराउंड की बिटकॉइन कम डिस है कोई बोलेगा इथेरियम कम डिस बोलेगा की सोलाना तो पूरा सेंट्रलाइज है सो so, इस टाइप के आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं बट आर्ग्यूमेंट के पीछे रीजंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं इवन इनफैक्ट ऐसी बात है ना डिसेंट्रलाइजेशन का लोगों को लगता है कि सबको पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इसकी क्या मीनिंग होती है बट रियलिटी में काफ़ी कम लोगों को पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन असली में होता क्या है इसके क्या मायने हैं क्या ट्रू मीनिंग है तो आज इस वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करने वाला और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कैसे अचीव होता है कितने टाइप के डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं ब्लॉक चैन सिस्टम्स में तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल ऑलो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यू चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट डिसेंट्रलाइजेशन पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है तो सेंट्रलाइज सिस्टम की जब बात करते हैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम के सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज करते हो वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आती है जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है इसके अलावा कोई भी कंपनी है उसका अगर सी है तो वो भी एक कहीं कही ना कहीं से सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आ गया तो हमारे अराउंड जो है सब सेंट्रलाइज सिस्टम है और वही जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो एक प्लेस पे नहीं होगी डिफरेंट प्लेसेस पे होती है राइट और यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है ट्रांजेक्शन की उसका कंट्रोल एक एंटिटी के पास नहीं होता है राइट जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है उस सिस्टम के अराउंड उसमें जो कंट्रोल होता है वो एक एंटिटी के पास नहीं होकर लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पे किस टाइप से आगे जाके उसको अप्रूव करना है डिनाई करना है नेटवर्क में स्टोर करना है जिस टाइप से उसका डिसीजन होता है लोग मिलकर कंसेंसस के थ्रू लेते हैं राइट तो कलेक्टिव डिसीजन होता है जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं उसमें सिंगल एंटिटी कंट्रोल नहीं करती वही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्रोसेसिंग एक प्लेस पे नहीं होकर अलग अलग प्लेस पे होती है बट वो डिपेंड करता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो सकते हैं कि सेंट्रलाइज हो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जरूरी नहीं कि वो डिसेंट्रलाइज हो और जरूरी नहीं कि वो सेंट्रलाइज हो, हो. कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज भी होते हैं और कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो आपका डिसेंट्रलाइज भी होता है एग्जाम्पल की अगर सीबीडीसी की बात करते हैं तो सीबीडीसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को फॉलो करता है बट वो डिसेंट्रलाइज नहीं है क्योंकि उसमें एक एंटिटी का कंट्रोल है सिमिलरली कई सारे प्राइवेट ब्लॉक चेन है उसमें भी ऐसा है कि कंट्रोल जो है एक एंटिटी के पास है और या फिर दो तीन एंटिटी के पास है और उसके अलावा जो प्रोसेसिंग जो हो रही है ट्रांजेक्शन की वो मल्टीपल प्लेसेस पे हो रही है ठीक है और सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग जो होती है वो सिंगल प्लेस से होती है और वहाँ पे कंट्रोल जो होता है वो भी एक ही बंदे के पास होता है तो डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल जो होता है वो डिवाइडेड होता है कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है किसी एक बंदे के पास कंट्रोल नहीं होता है तो ब्लॉकचेन की जब बात करते हैं तो ब्लॉकचेन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है राइट जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी अचीव होता है जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते एक जगह स्टोर नहीं होकर मल्टीपल जगह स्टोर होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं सब पे एक टाइम पे डेटा इंस्टेंटली अवेलेबल होता है एट द सेम टाइम कोई सिंगल एंटिटी उनको कंट्रोल नहीं करता है ठीक है तो ये सिंपल आपको पहले समझना है अभी तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के डीप में जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के तीन टाइप होते हैं like, आपने पहले नहीं सुना होगा टाइप तीन होते हैं बट असली में डिसेंट्रलाइजेशन को अगर कर डिफाइन करना है तो उसको तीन लेवल पे डिफाइन किया जाता है पहला जो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी होता है वो पॉलिटिकल लेवल पे होता है ठीक है सेकंड जो होता है वो आर्किटेक्चर लेवल पे होता है तीसरा जो होता है वो लॉजिकल लेवल पे होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो कितने कंपनीज या कितने ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम्स है उसके नेटवर्क के अंदर राइट right? क्योंकि पे एक सिस्टम के अंदर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन uh, की प्रोसेसिंग नहीं होती ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग नहीं हो रही मल्टीपल उस नेटवर्क के अंदर है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब वो होता है कि मल्टीपल सिस्टम्स है राइट मल्टीपल कंप्यूटर्स है अगर ब्लॉक की बात करते हैं तो जो भी मल्टीपल कंप्यूटर्स है चाहे वो माइनर्स हो या फिर जो आपके वैलिडेटर्स हो वो अगर वो कितनी कंपनी ओन कर रही है कितनी कंपनी उनको कंट्रोल कर रही है राइट right? अगर एग्जाम्पल के लिए आपके आ, किसी ब्लॉक नेटवर्क के अंदर थाउजेंड वैलीडेटर है बट उस थाउजेंड वैलीडेटर में से सात जो वैलीडेटर है खाली चार कंपनी ही ओन कर रही है चार कंपनी के ही वो सात सौ वेलीटर है उस केस में यहाँ पे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कम हो जाएगा राइट तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि जो परसेंटेज ऑफ सिस्टम्स होते हैं वो कितनी कंपनी उसमें ओन कर रही है अगर ज़्यादा चार पांच कंपनी मिलके ही ज़्यादा सिस्टम ओन कर रही है ज़्यादा बड़ा उनका मार्केट शेयर है उस नेटवर्क के अंदर उस केस में जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो कम होता है तो अगर बिटकॉइन और इथेरियम का एग्जाम्पल लेते हैं पोलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन वाले एंगल में तो बिटकॉइन का अगर माइनिंग की बात करते तो बिटकॉइन की जो माइनिंग की जो हैश रेट है राइट उसमें सेवेंटी परसेंट जो हैश रेट है वो पांच कंपनी कंट्रोल करती है पांच कंपनी के माइनर्स है वो वहां पे चलते हैं उसके हिसाब से हैश स्टेड वो कंट्रोल करते हैं हमेशा से ऐसा होता आया है कंपनियां चेंज हो गई पहले जो पांच कंपनियां अलग थी जो चाइना से मेनली ऑपरेट करती थी चाइना में जब माइनिंग का एक्सो हुआ फिर कंपनीज यूएस पे चलेगी कजाकिस्तान में चलेगी और अभी एक फाउंड्री यूएस करके कंपनी है वो भी एंटर हो गई तो फाउंड्री यूएस सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा लीडिंग यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग का फॉर्म है ठीक है तो ये जो पांच कंपनी उसमें मेनली आपका एक तो फाउंड्री हो गया इसके अलावा एंड पुल हो गया और इसके अलावा तीन कंपनीज और हैं ये मिलके बिटकॉइन की माइनिंग आज के टाइम पे कंट्रोल करती है बिटकॉइन इज नॉट कम्प्लीटली पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन अभी नहीं है ना पहले था इवन पिछले छः से सात साल से अगर हम देखेंगे जब से मैंने बिटकॉइन को देखा है मैंने हमेशा से यही देखा है कि बिटकॉइन का जो

स्टेक कर रहे हैं तो लाइडो जो है के अंदर काफी सारे वैलिडेटेड नोट चलते हैं इसके अराउंड इसके अलावा आप देखोगे तो बाइनेंस के पास है कॉइन के पास है तो इथेरियम इज ऑल्सो नॉट पॉलिटिकली इट इज एट सम डिग्री बट इट इज नॉट फुली पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइज राइट बिटकॉइन के केस में भी मेंल्सो इट इज पॉलिटिकली मे बी एट एट सम डिग्री सम डिस बट नॉट फुली फुलटी परसेंट जो यहाँ पे कंट्रोल है इन बोथ केस इथेरियम एंड बिटकॉइन पे पांच कंपनियों के पास है राइट इसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्चरल डिसेंट्रलाइजेशन सो आर्किटेक्चर वाइज जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उस पर यह डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा कंप्यूटर्स मिलकर उस सिस्टम को चला रहे हैं कितने ज्यादा कंप्यूटर्स उस सिस्टम के अंदर है कितने ज्यादा माइनर्स है कितने ज्यादा वैलिडेटर्स है माइनर्स अगर प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉक है वैलिडेटर्स अगर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉक है तो इथेरियम की अगर बात करते हैं तो वैलिडेटर्स तो काफी ज्यादा है लाइक like ऑलमोस्ट एक लाख के ऊपर है वही अगर आप कार्डानो की बात करते हैं तो पंद्रह सौ है वही आप सोलाना की बात करते हो तो बारह सौ है तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कितने वैलिडेटर्स है अगर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें बाइनेंस जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है वो आर्किटेक्चर वाइज नॉट दैट मच डिसेंट्रलाइज बट इथेरियम जो है वो अच्छा डिसेंट्रलाइज है आर्किटेक्चर वाइज इथेरियम इज गुड डिसेंट्रलाइज है और अगर बिटकॉइन की बात करते हैं वो भी काफी अच्छा डिसेंट्रलाइज है आर्किटेक्चर वाइज बट सोलाना कम है Kadano कम है और बाइनेंस काफी कम है जितना कम वैलिडेटर काउंट होगा उतना कम वो हो ये आपको समझना है तो, सारे आते, उनके कम होते हैं। तो उनका जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम होता है तो ये सेकंड uh, का लेवल होता है वो आपको समझना है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है uh, जो ऐसा है कि लॉजिकली डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं लॉजिकली डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है इंटरफेस है अगर उसको हाफ कर लिया जाए सिस्टम को हाफ कर लिया जाए फिर भी वो सिस्टम इंडिपेंडेंटली जो दूसरा सिस्टम उससे बना है लाइक एक सिस्टम से जो दो सिस्टम बने दोनों इंडिपेंडेंटली काम करें इंडिपेंडेंट होके काम करें प्रॉपर वर्कआउट करें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ये जनरली हार्ड फोक के अंदर आता है तो जैसे बिटकॉइन uh, का बिटकॉइन कैश का हार्ड फोक हुआ था तो बिटकॉइन के बाद बिटकॉइन कैश का हार्ड फोक हुआ तब उसके बाद बिटकॉइन कैश जो है इंडिपेंडेंट यूनिट बन के चला राइट वैसे इथेरियम के जो हार्ड फोक होते हैं इथेरियम और इथेरियम क्लासिक का उसके बाद इथेरियम और इथेरियम क्लासिक इंडिपेंडेंट यूनिट बन के चले इथेरियम का अभी ई एच डब्लू टू हार्डफोक हुआ था इसके मर्ज के बाद उस टाइम भी कई सारे आप देखोगे तो एन एफ टी और डी के टोकन्स वगैरह सब डुप्लीकेट हुए थे तो वो भी इंडिपेंडेंट यूनिट बन के चले तो उस केस में जब भी हार्ड फोक्स के इवेंट होते हैं उस केस में दोनों जो नेटवर्क है जो हार्ड फोक के प्रीवियस जो था नेटवर्क था और हार्ड फोक के बाद का नेटवर्क था वो दोनों प्रॉपरली वर्क होने चाहिए इवन आफ्टर हार्ड फोक इट शुड बी वर्क प्रॉपरली तब वो लॉजिकली डिसेंट्राइजेशन अचीव होता है तो वो अगर हम ऐसे करेंसी केस पर बात करते हैं या कुछ इंस्टेंट्स के केस पर बात करते हैं अगर बिटकॉइन बिटकॉइन कैश की एग्जाम्पल लेते हैं या फिर इथीडियम uh, की एग्जाम्पल लेते हैं तो उस केस में तो लॉजिकली डिसेंट्राइजेशन अचीव हुआ है बट कुछ केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में डिफाई केस में और कुछ एप्लीकेशन साइड पे लॉजिकली डिसेंट्रलाइजेशन अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इवन विटेलिंग ने खुद ने अपने ब्लॉग में स्टेट किया था कि ब्लॉक आर पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज ब्लॉक आर आर्किटेक्चरल डिसेंट्रलाइज बट ब्लॉक आर नॉट लॉजिकली डिसाइज उसने एक ब्लॉग लिखा था दो में उसने मैंशन किया था बट द सेम टाइम वो दो का ब्लॉग था बट कुछ इवेंट उसके बाद हुए तो उसमें हमको ये पता चला कि लॉजिकली डिसेंट्रलाइजेशन भी अचीव किया जा सकता है जैसे ये हार्ड फोक के थ्रू अचीव किया गया बट करेंसी लेवल पे अचीव किया जा सकता है करेंसी फोक्स पर अचीव किया जा सकता है बट कुछ लिमिटेशन उसमें है तो ये मेनली तीन टाइप के डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे होते हैं आर्किटेक्चर वाइज होते हैं पोलिटिकल वाइज होता है और आपका ये लॉजिकल वाइज होता है बिटकॉइन जो है वो आर्किटेक्चर वाइज डिसेंट्रलाइज है बिटकॉइन पोलिटिकली डिसेंट्रलाइज है बट इतना नहीं है थोड़ा कम है पोलिटिकली डिसेंट्रलाइज और बिटकॉइन अगर लॉजिकली डिसेंट्रलाइज की बात करें तो लॉजिकली डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन बिल्कुल है तो इस टाइप से बिटकॉइन का हो गया इथेरियम का भी ऑलमोस्ट सेम है सोलाना की बात करते तो सोलाना आ, पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज नहीं है इतना आर्किटेक्चरल वाइज भी डिसेंट्रलाइज इतना नहीं है और लॉजिकली भी शायद इतना नहीं है राइट और बाइनेंस चेन तो बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज नहीं है बाइनेंस चेन में तो वेलिड रे काम है बाइनेंस चेन में तो आर्किटेक्चर वाइज ही सिस्टम ही काफ़ी कम है वैलिडेटरी काफ़ी कम है और जब कंट्रोल की बात करते हैं वो भी बाइनेंस चेन में भी काफ़ी कम लोग कंट्रोल करते हैं सो बाइनेंस चेन या फिर जो भी इस टाइप के एलवन चेन आप देखते हो जनरली वो इतने ज़्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं है या पे ट्रू डिसेंट्रलाइज लॉक की जब बात करते हैं तो बिटकॉइन और इथेरियम का नाम ही सबसे ऊपर आता है तो बिटकॉइन इथेरियम में मेनली ये जो मेन पॉलिटिकल साइड पे एक यू uh, नो you know, वो देखने को मिलता है कि इवन इथेरियम के केस में भी कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं और बिटकॉइन के केस में भी कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसको अगर हम हटा देते हैं बाकी सारे लेवल्स uh, पे लाइक आर्किटेक्चर वाइज या फिर लॉजिकल वाइज दोनों काफी हद तक डिसेंट्रलाइज है सो आई होप आपको uh, इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन की आपको एक समझ आई होगी बट इसका एक सेकेंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा कि वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज यूजफुल एट द फर्स्ट प्लेस क्योंकि आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको एक और पार्ट में बनाऊं सेकंड पार्ट भी इसका रिलीज़ करूं सो so, वो मैं बिल्कुल जल्दी करने वाला हूं सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन में क्लिक करना ताकि फ्यूचर में और भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे और मिलते नए वीडियो में जल्दी थैंक यू